बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने मानहानि का नोटिस भेजा है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह को यह नोटिस भेजा गया है। संजय सिंह की ओर से लगाए आरोपों को झूठा और निराधार बताया है। संजय सिंह के आरोपों से छवि खराब हुई, ऐसा आरोप महेंद्र सिंह ने लगाया है। संजय सिंह ने यूपी जल शक्ति मिशन के पूरे कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और इन्हीं आरोपों को निराधार और झूठा बताते हुए मानहानि का केस मंत्री महेंद्र सिंह ने लगाने के लिए कहा है। इसी वजह से नोटिस भेजा गया है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को यह नोटिस भेजा है। आरोप है कि झूठे आरोप लगाए गए और ये आरोप निराधार हैं, झूठे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी के नेता ने लगाए थे। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी हैं संजय सिंह, जिनको नोटिस भेजा गया है मंत्री महेंद्र सिंह की तरफ से। यह नोटिस भेजा गया है मानहानि के केस में। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मानहानि का यह नोटिस है और मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा है कि जो आरोप संजय सिंह ने लगाए हैं वो निराधार हैं और झूठे हैं। ऐसे में नोटिस का जवाब देना होगा, ये संजय सिंह की मुश्किलें भी बढ़ा सकता है। ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आखिर इस नोटिस का क्या जवाब देते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शराब की ऑनलाइन बिक्री का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी है और कहा है कि यह राज्य सरकार का नीतिगत मसला है। याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन शराब की होम डिलीवरी की अनुमति देने की मांग की थी। याचिका ने अर्जी में कहा था कि ऑनलाइन शराब की बिक्री से कम खर्च में दुकान चलाई जा सकेगी, तो वहीं सरकारी वकील ने कहा कि राज्य सरकार शराब की ऑनलाइन बिक्री नहीं चाहती है। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि राज्य सरकार का नीतिगत अधिकार है, नीतिगत फैसला हो सकता है और यही वजह है कि नीतिगत मसला होने की वजह से हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, इस याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका लगाई गई थी कि शराब की होम डिलीवरी होनी चाहिए और ताकि जो दुकान में खर्च होता है उसको बचाया जा सके, तो वहीं सरकारी वकील ने कहा है कि राज्य सरकार शराब की ऑनलाइन बिक्री नहीं चाहती है। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार की तरफ से रिजर्व शिवालिक एलिफेंट कॉरिडोर के डिनोटिफाइड करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। हाईकोर्ट ने एनएचएआई से पूछा कि दिल्ली देहरादून हाईवे के बीच रहे पेड़ों को बचाने के लिए क्या किया गया। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि 5,405 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैला रिजर्व शिवालिक एलिफेंट कॉरिडोर 2002 में रिजर्व एलिफेंट कॉरिडोर की श्रेणी में शामिल किया गया और वन्य जीव बोर्ड की तरफ से डिनोटिफाइड किया गया है, और उसके बाद भी बोर्ड इसे डिनोटिफाइड करने की इजाजत कैसे दे सकता है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि 24 नवंबर 2020 को स्टेट वाइल्ड बोर्ड की बैठक में देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का विस्तार करने के लिए फॉरेस्ट को डीनोटिफाइड करने का फैसला लिया गया था। बैठक में यह भी कहा गया कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के डीनोटिफाइड नहीं करने से राज्य की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं, लिहाजा इसे डीनोटिफाइड करना अति आवश्यक है। तो वही मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी सवाल किया है। हाईकोर्ट ने पूछा याचिकाकर्ता से कि किस तरीके से 2,500 साल के पेड़ कटने से देहरादून को क्षति होगी और क्या इसकी भरपाई ज्यादा वृक्षारोपण करके नहीं की जा सकती। मामले की अब अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां जूनियर हाई स्कूल में 16 अगस्त से दाखिले शुरू हो जाएंगे। प्राइमरी छोड़ बाकी सभी शिक्षण संस्थानों में 1 सितंबर से पढ़ाई होने लगेगी। 50% क्षमता के साथ 2 पालियों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। स्कूल कॉलेजेस के लिए जल्द दिशा निर्देश जारी करें, सीएम ने आदेश दे दिया है। स्टूडेंट्स की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, स्कूल कॉलेजेस में विशेष टीकाकरण शिविर लगेंगे, सीएम ने यह भी आश्वस्त किया है और अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित भी कर दिया है। 16 अगस्त से दाखिले शुरू हो जाएंगे। प्राइमरी क्लासेस को छोड़ दिया जाए तो बाकी बची क्लासेस की 1 सितंबर से पढ़ाई शुरू हो जाए, यह सीएम ने आदेश दिए हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे, औरैया में सपा नेता और गैंगस्टर धर्मेंद्र यादव का रिहायशी मकान जब्त कर लिया गया है।
पुलिस प्रशासन ने डिबियापुर नगर में स्थित मकान को कुर्क किया, जिसकी कीमत तकरीबन 42 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक धर्मेंद्र पर 32 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और इटावा जेल से छूटने पर 100 गाड़ियां लेकर जुलूस निकालने पर वो सुर्खियों में आया था। '84 के सिख दंगों में कानपुर भी झुलसा था और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहां 127 लोगों की हत्या हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे, लेकिन किसी को इंसाफ नहीं मिला। कई लोग तो इंसाफ की आस लगाए दुनिया छोड़कर चले गए, तो कई लोगों को अब भी इंसाफ का इंतजार है और उनके इस इंतजार को बल दिया है एसआईटी ने। एसआईटी ने 11 मुकदमों में चार्जशीट लगाई है और अब 54 आरोपियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। बता दें आपको कि बीजेपी सरकार ने दंगों की जांच के लिए 2019 में एसआईटी गठित की थी, जिसने 20 ऐसे मामलों की जांच की, जिनमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी। एसआईटी ने 11 मामलों की जांच पूरी कर ली है, जबकि 9 मामलों को बंद कर दिया गया। एसआईटी ने इन्हीं 11 मामलों में 67 आरोपियों का सत्यापन किया था, जिनमें से 13 की मौत हो चुकी है। और अब बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां के सदर विकास खंड में नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख ने अपनी कुर्सी पर राम की प्रतिमा स्थापित कर दी है। शेषा देवी का मानना है कि ये जीत भगवान श्री राम की वजह से उन्हें मिली है और इसलिए वो प्रमुख की कुर्सी पर खुद नहीं बैठेंगी, बल्कि 5 साल तक उस कुर्सी पर भगवान राम की प्रतिमा को रखा जाएगा। साथ ही ब्लॉक का विकास भी राम की कृपा से होगा।